मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक नई आशा के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपके अनुभव बच्चों, आज हम वर्ण विच्छेद करना सीखेंगे। आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए वर्ण विच्छेद करना उतना ही आसान हो जाएगा, यानी बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। आपको तरह तरह के वर्ण विच्छेद करना सिखाऊंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब हम अनुस्वर लगे शब्दों का वर्ण विच्छेद करना सीखेंगे, यानी इस प्रकार से अनुस्वर लगा होता है, जैसे बंदर ब के नीचे हलन, किसकी साउंड, अंग की साउंड, और द, द में किसकी साउंड, अ की साउंड, और र, र में किसकी साउंड, अ की साउंड। अंदर, अंदर कैसे लिखेंगे, अ के ऊपर अनुस्वर लगाएंगे, द में किसकी साउंड है, कौन से स्वर की साउंड है, अ की, र में किसकी साउंड है, अ की। संसार क्या है, संसार, स में किसकी साउंड है, अंग की, और सा में आ की, र में किसकी साउंड है, अ की। तो इस प्रकार से इसका वर्ण विच्छेद करेंगे। मंदिर, म के नीचे हलन, अंग की साउंड, द में किसकी साउंड है, छोटी ई की, र में किसकी साउंड है, अ की। जंगल, ज के नीचे हलन, और किसकी साउंड है, अंग की, ग में किसकी साउंड आ रही है, अ की, ल में किसकी साउंड है, अ की। अब अगला लेते हैं मंगल, क्या है, मंगल, मंगल का कैसे करेंगे, म के नीचे लगाएंगे हलन, और अंग की साउंड है, ग के नीचे भी हलन लगाएंगे, और अ की साउंड है, और ल में किसकी साउंड है, अ की। अगला लेते हैं दंगल, द में किसकी साउंड है, अ की, द के नीचे हलन लगाना नहीं भूलेंगे। कोई भी व्यंजन को बिना स्वर के जब लिखते हैं तो उसके नीचे क्या लगाते हैं, हलन लगाते हैं। ग में किसकी साउंड है, अ की, और ल में किसकी साउंड है, अ की। अगला लेते हैं कंकड़, क के नीचे हलन लगाएंगे, अंग की साउंड है, क में किसकी साउंड है, अ की, और ड में किसकी साउंड है, अ की, कंकड़। कंगन, कंगन यानी बेंगल, क में किसकी साउंड है, अंग की, ग में किसकी साउंड है, अ की, और न में किसकी साउंड है, उसमें भी अ की। कंचन, कंचन यानी सोना, और कंचन एक नेमिंग वर्ड भी है, क में किसकी साउंड है, अंग की, और च में किसकी साउंड है, अ की, न में किसकी साउंड है, अ की। घमंड, हमें घमंड नहीं करना चाहिए, घमंड का कैसे लिखेंगे, घ में किसकी साउंड आ रही है, अ की, म में किसकी साउंड आ रही है, अंग की, और द में किसकी साउंड आ रही है, अ की। अंडा, अंग, द में किसकी साउंड है, आ की। अंगूर, अ में किसकी साउंड है, अंग की, ग में किसकी साउंड है, उ की, बड़े उ की, र में किसकी साउंड है, अ की, किसकी साउंड है, अंगूर, र में अ स्वर की। पतंग, प में किसकी साउंड है, अ स्वर की, त में किसकी साउंड है, अंग की, ग में किसकी साउंड आ रही है, अ की। झंडा, झंडा यानी फ्लैग, झ, झ में किसकी साउंड है, अंग की, द में किसकी साउंड आ रही है, आ की। गंगा, ग, ग में किसकी साउंड आ रही है, अंग की, ग, ग में किसकी साउंड आ रही है, आ की। पंखा, पंखा यानी फैन, प, प में किसकी साउंड आ रही है, अंग की, ख में किसकी साउंड आ रही है,
आ की। संतोष किस क्या है? संतोष किसकी साउंड आ रही है? अंग की। तब में किसकी साउंड आ रही है? ओ की। और पेट कटा श में किसकी साउंड आ रही है? अ की। चंचल क्या है? चंचल। च में किसकी साउंड आ रही है? अंग की। च में किसकी साउंड आ रही है? अ की। ल में किसकी साउंड आ रही है? कौन से स्वर की साउंड आ रही है? अ की। बचपन में सभी बच्चे चंचल होते हैं। कंजूस क में किसकी साउंड आ रही है? अंग की। ज में किसकी साउंड आ रही है? बड़े ओ की। स में किसकी साउंड आ रही है? अ की। गंदगी क्या लिखेंगे? ग में अनंत लगाएंगे, किसकी साउंड है? अंग की। द में किसकी साउंड है? अ की। और गगी में किसकी साउंड है? बड़ी की। इस प्रकार से यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए वर्ण विच्छेद बहुत आसान हो जाएगा। मैं हिंदी भाषा को इतना सरल और सहज बना देना चाहती हूँ ताकि बच्चों का जो हिंदी के प्रति इंटरेस्ट कम हो गया वो बढ़े। और ग्रामर में आपको कौन कौन से टॉपिक पे दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, मैं यथासंभव उन पर वीडियो बनाऊंगी। यदि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।